हाँ वो डालो इसमें एवरीवन वेलकम बैक टू कुक एंड ब्लॉग विद सीनू। तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और अभी ये थर्सडे इवनिंग का ब्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग ब्लॉग से। और अभी मैं चीला बना रही हूँ, तो मॉर्निंग में ही सूजी और ओट्स को दही में भिगोकर मैं दही और पानी मिक्स करके मैं फ्रीज में रख दी थी। अभी बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इसमें और मैं ऐड करी हूँ बारीक कटी हुई प्याज, हाफ ही ऐड करी हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही है। और फिर उसमें नमक गया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई, और बस इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं जैसे चिल्ली फ्लेक्स हो गया या और कुछ भी, बट मैं नहीं ऐड कर करती हूँ। और पनीर को मैं ना क्यूब शेप में कट करके ऐड करी हूँ। मेरे पास पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा ही था, तो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। ग्रेट करके भी ऐड कर सकते थे बट क्यूब चंक्स में खाना ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना क्यूब शेप में, और बाबू को पसंद आता है तो इसको दिखेगा तो ये खा लेगा, और ग्रेट किया हो रहता है तो पता नहीं चलता है ना, मिक्स हो जाता है। तो बस पैन गर्म हो गया है तो उसमें मैं ऑयल ऐड करी हूँ, रिफाइन ऑयल। और बाबू यहाँ पर अखरोट था रखा हुआ तो खुद से तोड़ खा रहा है। और उसके बाद दो लैडल मैं उस पर
तवा पे रख दी हूँ और वो अभी पक रहा है, तो साइड में बाबू और मैं दोनों अखरोट खा लेते हैं। और बस यहाँ पे एक साइड हो गया है अच्छे से ब्राउन कलर का, इस पर पैचेज आ गया है, तो इसको मैं टर्न कर दी हूँ और अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे, क्योंकि पनीर है तो उठा उठा सा रहेगा। तो बस हल्का सा एक मिनट तक बस उसको स्पैचुला से ही दबा दबा कर अच्छे से पका लेंगे। और मेरा यहाँ पे टूट गया था क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, और पनीर भी है तो हेल्दी स्नैक्स है, इसको आप नाश्ते में भी, मीन्स हाई प्रोटीन स्नैक्स है ये, इसको खा सकते हैं कभी भी बनाकर। तो बस इसी तरीके से मैं सारे चीला को बना लूँगी, तीन बना था तो दो अभी, और बस इसको मैं रख कर छोड़ कर इस बाबू को खिलाती हूँ और मैं भी उसके साथ ही शाम का नाश्ता खा लूँगी। और बहुत सिंपल है और इजी है और टेस्टी भी लगता है, मीन्स प्रोटीन रिच है, सब कुछ है, ओट्स है, पनीर है, टमाटो, और इसको केचप के साथ ले लेते हैं। बाबू खाता है, उसको पसंद आता है केचप, तो मैं और बाबू दोनों खा लेंगे नाश्ता इवनिंग का। और इसके बाद और बाबू इसमें से ना बस पनीर का जो चंक्स है वो वही निकाल कर खा रहा है, बाकी उसमें जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको हटा देता है, फिर बाद में सारा वो खा लेता है, लेकिन अभी यूं ही ऐसे ही वो खा रहा है, जैसे खाता है वैसे ही उसको खाने देते हैं। और अब बस इसके बाद हम रात हो गई है, मीन्स 8 बज गया, तो बाबू यहाँ पे खेल रहा था स्टूल से और मैं कुछ डिनर का प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, करी नहीं हूँ वैसे, सेम बनाई थी दोपहर में वो निकाल कर रखी हूँ और इधर कढ़ाई में रख दी हूँ चूल्हे पे, गर्म हो रहा है वो लो फ्लेम पे करके, और अभी आटा लगा लेंगे सबसे पहले, तब तक कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा। और आटा मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ और बाबू आ जाता है, आजकल उसको ना मैं जो भी काम करती हूँ उसमें उसको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो मैं आटा लगा रही थी तो वो भी आ गया और बोलता है मुझे भी लगाना है, मीन्स वो भी अपना हाथ बढ़ा रहा था, तो देखिए कैसे यहाँ पे वो कर रहा है, मीन्स हाथ को ना बढ़ा रहा है कि मुझे भी दो मैं भी करूँगा, और इसको बस मैं हाथ दिखाती हूँ तो रोल कर चला जाता है, इसके बाद आता ही नहीं है किचन में। और मैं इधर खड़ा होकर हाथ में लेकर आटा को गूंथ रही थी कि ये चला जाएगा, लेकिन ये सुन नहीं रहा था, तो फिर एक थोड़ा हाथ दिखाना पड़ा तो रोने लग गया और पापा को बोलता है मम्मी मार दिया, मैं मारी नहीं थी, वो रोने लग गई हुई बस हाथ करी, तो मैं सोची जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, मतलब कि 15-20 मिनट्स में ही बन जाएगा, लेकिन आकर वो लेट कर देता है। और बस आटा को अच्छे से नहीं अभी किए हैं, बस भी ही रख देते हैं रेस्ट पे, जब बनाना होता है तो उसको अच्छे सेट कर लेते हैं, है ना। तो इधर कढ़ाई में गर्म हो गया है तो उसमें तेल ले लिए हैं, और मैं आजकल बिना मतलब कि तड़के का जो भी होता है ना जीरा मिर्च वगैरह का ही सब्जी बना रही हूँ, ऐसे ही खाने का इच्छा हो रहा है क्योंकि गर्मी आ गया है तो हल्का हल्का बिल्कुल खाने का मन होता है। तो बस तेल गर्म हो गया था तो इसमें आलू को मैं जो छिलका के साथ ही उसको पतले पतले पीसेस में कट कर लेती हूँ, छिलका नहीं हटा रही, बस सिंपल तरीके से किसी भी तरह बन जाए, उतना कुछ ये नहीं करना है कि हाँ छिलना है आलू को कुछ भी, वैसे भी आलू छिलकर नहीं ही बनाना चाहिए, वैसे ही अच्छा लगता है खाने में। और बस आलू थोड़ा भुन गया था तो उसमें मैं टमाटो को ऐड कर दी हूँ और वो भी साथ में भुन जाएगा, और इसके बाद हल्दी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि टमाटर डालने से क्या होता है ना थोड़ा सा तेल जो है चिटकने लगता है, तो हल्दी डाल देने से वो नहीं उतना चटकेगा, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और मैं मसाला बनाकर फ्रिज में स्टोर कर ली हूँ, जिसमें है जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, बस इतना ही है, इसको पेस्ट बनाकर मैं मिक्सी में इकट्ठा 2-3 दिन के लिए रख लेती हूँ, और आजकल मैं पाउडर नहीं इसी पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। और मैं प्याज इस सब्ज़ी में नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू सेम की सब्ज़ी, और मैं लहसुन ना स्टार्टिंग में इसमें लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, तो लहसुन मैं स्टार्टिंग में ही डालना था बट मैं भूल गई थी, तो बाद में कूट कर ऐड कर दी हूँ, तो साथ में भून जाएगा।
और बस सेम डाल दी हूँ और नमक। तो सेम में जो भी थोड़ा पानी होगा लो फ्लेम पे करके अच्छे से उसको भून लेंगे, जिससे मसाला है नहीं जलेगा। और साइड में मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, है ना, बिल्कुल झटपट बनने वाली ये सब्जी है और डिनर भी जल्दी बन जाता है इससे, विद इन 20 मिनट्स में ये सब बन जाता है। बट रोटी बनते बनते सब्जी भी बन ही जाता है, थोड़ा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बस सब्जी यहाँ पे भून गया है, तो इसमें मैं जो लहसुन कूटी थी उसी को मैं उसके पानी में को मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूँगी। और रोटियाँ भी निकालना है साइड में, रोटियाँ भी सारी अच्छी, देखिए रेस्ट पे छोड़ देने से ना आटा को फुली फुली रोटियाँ निकलती है ना। तो बस यहाँ पे भुन गया है सब्जी और फ्लेम को लो करके ही मैं पका रही हूँ। हाई फ्लेम में ना जल भी जाएगा और फिर चिपकने लगता है। और बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल अभी पानी ऐड कर दिए हैं, जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और भुन जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक पानी सूख नहीं जाता, है ना। और बस रोटी भी बन गई, तो साथ साथ मैं सफाई भी कर लूँगी साथ के साथ। और बस यही था डिनर आज का हमारा। और साइड में सलाद बना लेती हूँ। सलाद भी सिंपल तरीके से ही कट कर रही हूँ, कभी कभी मन होता है ना बस खाना बन जाए, है ना। बट ठीक ही बन जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छे से भून कर सब्जी बन गया है। और एक आलू अच्छे से पका हुआ था और दूसरे में तो ताकत लगाना पड़ रहा है, जैसे उसके साथ मेरा युद्ध हो रहा है। तो कुछ कोई कोई आलू होता है डिफरेंट डिफरेंट का, तो दो आलू था तो पता नहीं एक नहीं पका था एक अच्छे से पक गया शायद, उसका पीस पतला होगा। तो बस सब्जी यहाँ पे रेडी है, देखिए कितना अच्छा है, सिंपल है और अच्छा लगता है खाने में। तो बस यही था आज का ब्लॉग हमारा, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा है, सिंपल सा डिनर थाली ही, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ में सैलड है तो हम लोग चलते हैं डिनर ले लेते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय 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 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉचिंग बाय।